पे डिपेंड करने वाले गोल्ड पास के गिव अवे में, और ये थे गाइस टॉप 5 बेसिस फॉर TH14। तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो जैसा कि गाइस अब CWL चलने ही वाली है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितनी देर में यहाँ पे CWL स्टार्ट होने वाली है। तो 1 घंटे में आप मान सकते हैं, यहाँ पे 2 घंटे मान लो कि CWL स्टार्ट होने वाली है। एंड जैसा कि TH14 के न्यू अपग्रेड्स आए हैं, न्यू यहाँ पे लेवल्स आई है मोर्टार्स की, कैनन्स की, ट्रूप्स की, तो उनके अकॉर्डिंग गाइज मैं यहाँ पे बेस बनाए हैं। और कुछ यहाँ पे जितने भी ये बेसिस हैं गाइज, ये सभी जो अभी यहाँ पे रिसेंटली डार्कस मुजान और स्पेस स्टेशन की जो वॉर हुई थी उनके थ्रू मैंने लिए हैं। ये वाले बेस मेरे नहीं है, ये सभी मैंने हाईएस्ट जो COC के प्लेयर्स हैं उनके ये बेस है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सभी बेसिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बेस नंबर 1 से बेस नंबर 6 तक। तो आपको जिसको भी यहाँ पे कॉपी करना है तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे बेस नंबर 1। सो गाइस, ये है बेस नंबर 1 फ्रॉम स्पेस स्टेशन के एक प्लेयर है उनका। एंड आप यहाँ पे बेस देख सकते हो, कोर में एक मल्टी इन्फर्नो है, 2 स्कैटरशॉट बिल्कुल डिफरेंट साइड्स में यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये बेस नंबर 1 है गाइस। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे बेस नंबर 2। एंड गाइस सभी से मैं बताना चाहूंगा, ये सभी OP बेसिस हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो प्लीज यूज करिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं गाइस बेस नंबर 2। सो गाइज, ये है यहाँ पे बेस नंबर 2, आप देख सकते हो कोर में एक मल्टी इन्फर्नो है प्लस 2 स्कैटरशॉट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये वाला बेस गाइज यूज करना है, सो दिस इज अ बेस नंबर 2। सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पे देखते हैं बेस नंबर 3। सो गाइज, दिस इज अ बेस नंबर 3 और बेस आप यहाँ पे देख ही सकते हो कोर में, इसमें भी एक मल्टी इन्फर्नो रखा हुआ है, 2 स्कैटरशॉट बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये वाला बेस गाइज यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे बेस नंबर 4। सो गाइज, ये है यहाँ पे बेस नंबर 4 और सबसे फेवरेट मेरा ये वाला बेस है। तो गाइज, आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो प्लीज इसको एक बार एक CWL में यूज करिए। अगर आप TH14 Max हो या आप अगर आपके पास TH13 भी है तो आप तब भी इस वाले बेस को यूज कर सकते हो। बेस काफी OP है, आप देख सकते हो स्कैटरशॉट को भी यहाँ पे कवर कर रखा है जिससे कि यहाँ पे किंग टेक डाउन ना कर पाए, प्लस 3 इन्फर्नोज यहाँ पे बैक टू बैक कंपार्टमेंट में है जिससे कि यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आने वाली है सभी ट्रूप्स को। तो चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बेस देखते हैं जो कि यहाँ पे बेस नंबर 5। सो पर्सनली गाइस, ये वाला बेस भी मुझे काफी अच्छा लगता है, कोर में इसमें एक मल्टी इन्फर्नो है, तो अगर आपको ये वाला बेस यूज करना है तो आप यूज कर लीजिएगा। तो गाइस, ये थे यहाँ पे टॉप 5 बेसिस जो कि मुझे कुछ वहां पे थे, आप देख सकते हो 10 बेसिस वहां पे यूज किए गए थे, बस उसमें से टॉप 5 जो डिफेंड भी हुए थे और काफी अच्छे बेस हैं वो ये ही सभी टॉप 5 बेस मैंने चूज किए हैं। तो चलिए गाइज अभी वीडियो को एंड करते हैं, आपको कुछ और बातें बताते हैं। सो आज की वीडियो गाइज यहीं पे एंड करते हैं। और गाइज, ये थे सभी बेसिस यहाँ पे टॉप 5 प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड में यहाँ पे COC की जो वॉर हुई थी GCC में, तो उनके ये वाले बेस थे गाइज। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लस गोल्ड पासिस के ऊपर जो मैं बात बताना चाहता हूँ गाइज, वो सभी चीजें आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके ये ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली कि कौन उसमें विन करने वाला है या कौन नहीं। तो सभी चीजें गाइज उसमें लक पे डिपेंड करने वाली है गोल्ड पास के गिव अवे में। और ये थे गाइज टॉप 5 बेसिस फॉर TH14। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।